हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस विभाग से और मेरे हाथ में है नया लॉन्च हुआ मोटो A6S। जी हाँ, इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अभी हम करेंगे इसका गेमिंग रिव्यू, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो काफ़ी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी तगड़े हैं। लाइक MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर है, 4GB की इसमें रैम है, 64GB की स्टोरेज है, 6.1 इंच का आपको HD+U नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। तो बिना देर करे सीधे शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने गेमिंग रिव्यू की। प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास गेम या 45 मिनट्स के आसपास गेम खेलते हैं। डिपेंड करता है कि फ़ोन कितना उसको पुश कर पा रहा है गेम को, और टेम्परेचर चेक करते हैं कि कितना अभी टेम्परेचर और कितना गेमिंग के बाद रहेगा, और बैटरी परसेंटेज अभी कितना और एंड में कितना है, यानी कि बैटरी ड्रॉप कितना हुआ है। तो जल्दी से मैं आपको उसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ। तो अभी ओके, इसको डिग्री सेल्सियस में कर देते हैं। तो अभी जो पीछे से आप अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 30, 31, 29, तो 31 पीछे से हाईएस्ट है और आगे से भी, जी हाँ 31 है, 31 के आसपास अभी आपने देखा था कि हाईएस्ट था। अब बिना देर करे सीधे ओपन कर लेते हैं हम अपने पबजी को, और अभी जब गेम पूरा लोड जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, यूजुअली मैं ऐसा करता हूँ। इसलिए साथ में मैं आपको बता दूं कि चैनल पे ऑलरेडी इन्फिनिक्स हॉट 8 और Realme C2 दोनों का गेमिंग रिव्यू ऑनलाइन है, दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अपने गेमिंग रिव्यू में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और ये सेम उसी प्राइस सेगमेंट में फॉल हुआ है, थोड़ा सा प्राइस इसका आगे पीछे है बहुत हल्का सा, तो वीडियो के एंड में तो मैं आपको प्राइस बता ही दूंगा। तो देखेंगे कि इनके मुकाबले किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि P22 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जितने भी ऑलमोस्ट 2 से 3 फोन्स का गेमिंग रिव्यू किया है P22 के ऊपर, और लगभग सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ग्राफिक्स वाइज भी, शार्पनेस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो देखते हैं कि मोटोरोला का जो ये फ़ोन है मोटो E6S ये कैसा परफॉर्म करता है। साथ में इसमें आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, तो परफॉर्मेंस की मुझे बहुत ज़्यादा हाई होप्स है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 9 मिल जाता है। तो यहाँ से किया स्टार्ट, सीधे चले जाते हैं हम लोग। जब तक गेम लोड हो रहा है मैं आपको जो इसकी ग्राफिक्स सेटिंग्स है वो बता देता हूँ। ग्राफिक्स पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स हैं वो बैलेंस पे मैंने स्विच कर दिया है, स्मूथ से SD देख सकते हैं अवेलेबल नहीं है। सेम सी जो फ्रेम रेट है उसमें लोअर मीडियम का ऑप्शन है तो मीडियम पे सेट है। तो ये भी हो गई ग्राफिक्स की बात। तो यार एज यूजुअल मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक तो बग्गी के टायर वाला टेस्ट, और जो स्कूल के पास हमारी ग्राफिक्स एंड शार्पनेस टेस्ट करने वाली जो बिल्डिंग है वो। तो अभी बग्गी वाला टेस्ट जो है इसमें हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो टायर्स होते हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो यार आप देख सकते हो कि जो टायर की जो ग्रिड्स हैं वो आपको थोड़ी बहुत ही क्लियर दिख रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आई मीन फ़ोन के ग्राफिक्स में, बट इट्स क्वाइट डार्क, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप थोड़ी बहुत देख सकते हो सेगमेंट के हिसाब से जो ये ग्राफिक्स डिटेल्स हैं ये इतनी कोई बुरी नहीं है। C2 Hot 8 मैंने दोनों के अंदर गेम खेला, उनके अंदर भी लगभग ऐसी थी, इवन मुझे इसके अंदर थोड़ी सी बेटर लग रही है डिटेल्स। अभी मैं गेमिंग की परफॉर्मेंस या स्मूथनेस के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको गेम प्ले के बारे में नहीं, मैं आपको डिटेल्स के बारे में बोल रहा हूँ जो ग्राफिक्स की उसके बारे में, कि मुझे मतलब उनसे वो थोड़ी सी ना बेटर लग रही है, जो यहाँ पर आप डिटेल्स देख पा रहे होंगे टायर की वो वाली, तो जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा अभी मतलब जैसे आप टायरों को देखेंगे तो पूरी जो मतलब ग्रिड्स तो एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन यस आप उन्हें थोड़ा सा तो नोटिस कर ही पा रहे होंगे। कंटिन्यू हम लोग अपने जो ग्राफिक्स वाले बिल्डिंग है वहाँ पर भागते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से इसके ग्राफिक्स और शार्पनेस के बारे में भी बता पाऊँ। तो ये रही हमारी ग्राफिक्स और शार्पनेस टेस्ट करने वाली बिल्डिंग, सीधे भाग के जाते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले बात करते हैं जो ये ब्रिक्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक हाई एंड फ़ोन वर्सेस आप ये लोगे या फिर जो मिड रेंजर पे उस पर जाओगे, तो यार उसके हिसाब से तो ऑफकोर्स एकदम ही पूरी ब्लर है ये, लेकिन सेगमेंट के ऊपर हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो यस डिटेल्स आर डिसेंट।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपस में ब्रिक्स हैं उनके बीच में जो वाइट कलर की लाइनें आप उनको इजीली देख पा रहे होंगे। तो यस यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स हैं जो कि अच्छी बात है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे तो यार यहाँ पर जो डिटेल्स और ज़्यादा बेटर है आसमान और बिल्डिंग जहाँ पर जो प्रॉपर आपको देखो कटआउट मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है कि एकदम ये वाला हिस्सा मर्ज हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर क्लियर है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो इसके ग्राफिक डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और रही शार्पनेस की बात तो यार वो थोड़ी सी है लेकिन ठीक है, सेगमेंट को भी देखना पड़ेगा। तो अभी तक का मतलब जो ग्राफिक्स और शार्पनेस की अगर आप बोलोगे तो यस ग्राफिक्स डिटेल्स सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। डिटेल्स मुझे थोड़ी सी जो शार्पनेस है मुझे थोड़ी सी वीक लगी लेकिन सेगमेंट को देखना ही पड़ेगा। और उसके अलावा अभी तक का जो गेम प्ले है वो अभी तक का अच्छा है। ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास जो गेम प्ले हमने कर लिया है, बहुत हल्का सा फ़ोन मुझे गर्म फील हो रहा है बट ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं गेम प्ले और फिर देखेंगे कि क्या होता है, कि लैग्स वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या जो भी सीन रहता है। अभी आपने नोट किया होगा मुझे एग्जिट को ऑलमोस्ट 2 से 3 बार टैप करना पड़ा। तो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को बैटरी के बारे में बताना भूल गया एज एन कि कितना इसका बैटरी परसेंटेज था। तो जब मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने गेम खेलना शुरू किया था ठीक है, उस टाइम पे इसके अंदर 69% बैटरी थी, अभी 62 हो गई है। तो ऑफ कोर्स हम पूरे गेम प्ले के बाद देखेंगे कि यार कितने परसेंट बैटरी इसके अंदर बची हुई है। उसके अलावा आपको इसमें मिलती है 3000 mAh की बैटरी जो कि 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस कार 98 थी, शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखेंगे हम अपना गेम प्ले। 17 मिनट के आसपास खेल लिए हैं। टेम्परेचर यस थोड़ा सा बड़ा है, तो ये मैं आपको एक बार जल्दी से टेम्परेचर चेक करके बता देता हूँ। अभी जो टेम्परेचर हो रहा है, हमने 31 से स्टार्ट किया था, जी हाँ 39-40 के आसपास पहुँच गया है ये, इधर 39 है अगेन और यहाँ पर भी 39-38। तो टेम्परेचर तो बढ़िया है, कंटिन्यू रखेंगे हमारा गेम प्ले और देखेंगे कि क्या टेम्परेचर इतना बढ़ता है उसके कारण परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। एक बार TDM भी खेल लेते हैं थोड़ी देर और फिर देखेंगे। सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था लेकिन यू नो हार गए। सो गाइस ऑलमोस्ट 47 मिनट्स की गेमिंग हो गई और आप देख सकते हो थोड़ा सा तो ना लैग हो रहा है, बट मैं इसको बुरा नहीं बोलूँगा यार, बिकॉज इट्स ओके यार। देखो सेगमेंट के हिसाब से आप प्रोसेसर भी देखोगे लेकिन अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी वो तो अभी तक अच्छी थी। तो मुझे थोड़ा बहुत लैग मिल रहा है, मेरा पिंग थोड़ा सा हाई आ रहा है तो हो सकता है वो भी रीज़न हो, लेकिन मेरे हिसाब से लैग तो आना शुरू हुआ है। थोड़ी देर और खेल के देखते हैं और देखते हैं कि ये जो पिंग के कारण ये वाली गड़बड़ हो रही थी या फिर एक्चुअली इसके अंदर लैग है। गेम प्ले तो वही मैं कंटिन्यू रखता हूँ, देखते हैं कितनी देर तक और ऐसे ही हम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि देखो पिंग जैसी नॉर्मल हुआ ना वापस से थोड़ा गेम का जो है वो इम्प्रूव हो गया है गेम प्ले, तो देखते हैं। तो मे बी जो लैग मैं आपको बोल रहा था वो शायद से पिंग के कारण था, बट स्टिल लगभग 55 मिनट्स के आसपास ही गेमिंग हो गई है और फ़ोन भी हल्का सा तो गर्म लग ही रहा है। तो इस राउंड को ख़त्म करने के बाद मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। गाइस वैसे एक जो अच्छी बात है वो ये है कि इसे मैं क्या काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ तो ना ऐसे आई थिंक कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, फ़ोन ना समहाउ पहले से थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे डाउन लग रहा है विच इज़ गुड, कि अगर ऐसे गेम ज़्यादा मतलब यू नो फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो रहा है ड्यूरिंग द गेमिंग, तो यार अगर आप जैसे कहीं छुपे हुए हैं तो गेम जो हीटिंग है वो अपने आप थोड़ी सी कम होती आ रही है, लेकिन ऊपर वाली साइड पर अभी भी पहले जितनी फील हो रही थी उतनी हो रही है। मैं टेम्परेचर को चेक करूँगा इस राउंड को ख़त्म करने के बाद। तो गाइस विनर विनर चिकन डिनर, गेम करते हैं सीधे हम लोग पॉज। ऑलमोस्ट हमने यार 1 घंटा 2 मिनट के आसपास खेल लिया जो कि मैंने यूजुअली यू नो सेकंड में देखो यार थोड़ा सा तो ना ऐसे ही लैग सा तो चल ही रहा है, बट ठीक है यार काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया था। जल्दी से चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है अभी फ़ोन का, जैसा मैंने बताया था थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो यस 40
40 के आसपास यहाँ पर इसका हाईएस्ट था अभी, और आगे से हाईएस्ट था 38 39। तो 39 और 40 के आसपास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका टेम्परेचर गया है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जब हमने गेम खेलना शुरू किया था, इसने बताया था, ये बताना भूल गया था, लेकिन 69 के आसपास इसकी जो बैटरी थी वो थी, और अभी है 45 और ब्राइटनेस भी इसकी कम थी। तो यार देखा जाए तो ड्रॉप तो यार मतलब 70 के हिसाब से निकालोगे तो 25% क्या, अब यार अच्छा खासा ड्रॉप है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अभी सीधा जो मैं से हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार लोग बोलते हैं पबजी के लिए वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा यस, अगर आप लॉन्ग सेशंस नहीं करते हो तो आप ये वाला फ़ोन ले लो। C2 और हॉट 8 दोनों में मैंने बोला था कि यार ऐसे कुछ प्रॉपर इश्यूज़ नहीं है तो आप आराम से ले सकते हो। उसमें मैंने ये बोला था कि लॉन्ग गेमिंग के लिए वो भी फ़ोन अच्छा नहीं है, ये वाला फ़ोन भी एकदम बोलूँगा एक्सट्रीम लॉन्ग गेमिंग के लिए तो अच्छा नहीं, लेकिन यार मैंने 1 घंटा 2 मिनट खेला और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो आई थिंक आप तीनों में मेरे हिसाब से पूछोगे तो यस, लॉन्ग टर्म अगर गेमिंग करनी है तो आप बोलोगे C2, इन्फिनिक्स, हॉट 8 और कौन सा, तो मैं बोलूँगा यस आई थिंक ये ज़्यादा बेटर चॉइस है। सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइस में एज है। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, प्राइस मैं आपको इसकी बताने वाला था वो है 7999। अब आपको इस फोन के और कौन से वीडियोज देखने हैं मुझे आप कमेंट करके बताओ। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।